अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन स्टीम रोस्ट और शादियों वाला जो रोस्ट होता है, देगी रोस्ट जैसे बोलते हैं, स्टीम वाला भी और फ्राइड किया वाला भी, दो तरीक़ों से बनाएंगे। हमने दो बड़े चिकन के पीसेस ले लिए, चार चार उनके बड़े बड़े पीसेस चंक्स कर लिए। ये हमारा स्टीम वाला है ये वाला, और जो दूसरा हमारा ये फ्राइड वाला है। तो हमने उसको क्या किया, धो के रख लिया, उसको अच्छे से ड्राई होने दिया ग्रिल में। ड्राई होने के बाद हमने उसका जो है ये कट्स लगा के रख लिए। कट्स लगाने के बाद मैंने इसके अंदर बहुत थोड़ा सा ना विनेगर लिया, और बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे एक टेबल स्पून के बराबर, और नमक लिया, बस हाथ से हल्का सा स्प्रिंकल करके उसको रख लिया। तो वो मल के मैंने इसको एक घंटे के लिए कम से कम रखने दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने ये स्टार्ट किया, मैंने इसके अंदर ये मसाले थे, काली मिर्च थी, गर्म मसाला पाउडर था, सुर्ख मिर्च था, येलो फूड कलर था, और साथ में लहसुन पाउडर था और लीमू। अब मैंने क्या किया, जब उसको चिकन को अच्छे से धो लिया, ये हमने अब स्टार्ट की अपनी प्रॉपर वीडियो, तो उसको फिर क्लीन कर लिया जो ड्रेनर था, करके उसको ड्राई करके हमने जो उसके ऊपर नमक लगा के रखना था, वो जो नमक का पानी था ना, वो असल में ड्रेन हुआ हुआ है, और जो उसने जो सिरके ने छोड़ा था। तो अब ये जो है ना मसाला मिक्सचर मैंने लीमू के अंदर डाल दिया, काली मिर्च थी, गरम मसाला था, आई रिपीट, और साथ में येलो फूड कलर ऑप्शनल था, और साथ में मैंने हल्का सा ज़ीरा डाला है पाउडर, सुर्ख मिर्च डाली है, और ये लहसुन पाउडर डाला है। ये डाल के हमने थोड़ा सा एक टेबलस्पून ऑयल लेना है, इसको मिक्स कर लेना है। ये आप याद रखिएगा कि जितना चिकन खुश्क होता है उतना मज़े का रहता है, क्योंकि नहीं तो जब पानी फिर भी छोड़ेगा, फिर मैं मसाला लगा के रखूँगी, फिर इसने पानी छोड़ देना है। लेकिन एक जो नमक और सिरके वाला पानी था, वो आपने अलग से करके उसको ड्रेन कर लिया, उसको नीट कर लिया। अब आपने इसके बिल्कुल कट के अंदर अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना, बिल्कुल थॉरली, क्योंकि अगर अंदर नहीं लगाएंगे, नमक हमने इसमें नहीं डाला क्योंकि नमक पहले डाला हुआ था, इसलिए नहीं डाला, ऑब्वियसली डुप्लीकेट नहीं करना। जो पानी नीचे ड्रेनर ने ड्रेन किया था वो हमने फेंका था, इस चिकन को धोया बिल्कुल नहीं था, तो क्योंकि वो टेंडराइजर का काम भी करता है, और वो जो है नमकीन पूरा अंदर तक चिकन का पीसेस हो जाते हैं। ये जो मिक्सचर है मैंने अच्छे से उनको पेस्टी सी बना के लगा के उसको रख दिया। ये हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसको रखा, तो आप भी प्रेफर करें ओवरनाइट अगर आप रख सकते हैं तो वेरी वेल एंड गुड, सबसे आइडियल है, अदरवाइज़ मिनिमम 3 to 4 hours तो ज़रूर रखें। मैंने तो इसको सुबह के टाइम रखा, और इवनिंग में हम लोगों ने खाना बनाया तो वो हम बाहर निकल भी गए, तो ये आराम से अच्छा पड़ा रहा और मैरिनेट होता रहा। ये देख सकते हैं मैंने हर पीसेस को खोल खोल के अंदर तक लगा रही हूँ, तो प्रॉपरली लगा के फिर इसको कवर करके आप रख दीजिएगा। शदीद गर्मी हो तो बेशक आप फ्रिज में रख दें, अदरवाइज़ मैंने तो उसको साइड पे ही रख दिया था जो लाउंज में, क्योंकि वहाँ पे ज़रा हवा ठंडी होती है तो आराम से रहता है। मीनवाइल क्या है, मैंने किया प्रेशर कुकर लेके उसके अंदर 3 बड़ी इलायचियाँ, 2 छोटी इलायचियाँ, और साथ में मैंने जो था क्या कहते हैं लौंग लेके और पानी लेके वो रख दिया। उसके साथ मैंने उसका स्टैंड ले लिया, ये जो मैंने चिकन के पीसेस थे मैंने उसको ना स्टीम करने रख दिया, ठीक है। तो जो एक चिकन पीस था, दूसरा चिकन पीस जो आप साइड पे देख रहे हैं, मेरा प्रेशर कुकर चल रहा है, दूसरा चिकन पीस मैंने क्या किया, ऑयल लेके जो बाकी जो सेकंड चिकन था उसको मैंने दो दो पीसेस करके उनको अच्छे से फ्राई कर लिया। उसको 10 to 15 minutes कम से कम लगे, क्योंकि मीडियम फ्लेम आँच पे रखना है, अगर बहुत हाई फ्लेम पे रखेंगे तो वो एकदम से काला सा हो जाएगा और फुली डन नहीं होगा। खैर फुली डन तो अभी भी नहीं हुआ, लेकिन 50% तो फिर भी आपको पता है चिकन गल जाता है क्योंकि इतना मैरिनेटेड होता है, लेकिन फुली डन नहीं था। अगर फुली डन हो तो आपको और ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और थोड़ा स्लो फ्लेम में रखना पड़ता है, हमारी मीडियम फ्लेम थी इसलिए, ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए, और बस इसको फिर हमने साइड पर रख लिया। मीनवाइल जो हमारा जो स्टीम हो रहा था उसको मैंने 1/2 hour के लिए स्टीम किया, जो स्टीम चिकन था उसके अंदर कुछ भी नहीं लगाया, बस वो जो स्टैंड था और बड़ी और छोटी इलायची और लौंग डाली थी, पानी बीच में रख के ऊपर ग्रिल रख दिया था, तो वो 1/2 hour के बाद मैंने उसको निकाला था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी पकड़ा हुआ निकलेगा। ये जैसे आप देख सकते हैं इतने प्यारा गोल्डन सा हो गया हमारा चिकन, इसी तरह से हम बाकी दो पीसेस को भी डाल लेंगे और उनको भी फ्राई कर लेंगे। जो हमारा स्टीम चिकन भी हो रहा है वो भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये देखिए हमारा कितना प्यारा, इसका भी कलर टर्न आउट हो गया, गोल्डन सा हो गया, बड़ा प्यारा सा, जैसे शादियों में होता है, दिल कर ऐसे ही खा लें। लेकिन ऑब्वियसली इसको अब थोड़ा सा अब डन होने देंगे, तो हम स्टीम भी करेंगे ताकि फुली डन हो, कहीं से भी कचपन ना रहे और हार्ड ना रहे, फुली सॉफ्ट था बिल्कुल। तो ये हमने उसको साइड पर रख दिया, अब हम अपना स्टीम चिकन जो किया हुआ है वो निकालते हैं। ये
ये जो हमारा स्टीम चिकन निकला हुआ है, लेकिन मैंने इसके अंदर जो मेरा फ्राइड चिकन था वो मैंने इसके अंदर रख लिया। इसको रखने के बाद हमने इसके ऊपर प्रेशर कुकर दे दिया। आप देख सकते हैं मैंने कोई फॉयल, कोई बटर पेपर, कोई पार्चमेंट पेपर किसी से नहीं किया। अच्छा, ये जो हमारा स्टीम चिकन था ये हमारा निकल आया हुआ है, और इसको मैंने हल्का सा ऑयल के साथ ब्रशिंग किया और फिर मैंने इसको एयर फ्रायर कर दिया 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ताकि वो उसके अंदर ज़रा क्रिस्पीनेस या रेडनेस आ जाए जो आनी थी, तो ताकि बिल्कुल सॉफ्ट ना रहे। ये इतना सॉफ्ट था कि मैंने इसके चम्मच भी नहीं डाल रही थी, क्योंकि चिकन अलग हो रहा था, आपके सामने ही है, इतना मज़े का ये टेंडर हुआ हुआ है। तो 180 डिग्री पे मैंने 10 मिनट्स के लिए इसको रख दिया। ये देखिए हमारा चिकन कितना अच्छा ड्राई सा भी हो गया, बिल्कुल जैसे स्टीम चिकन होता है मार्केट्स में मिलता है। और देखिए ज़ीरो फैटनिंग है, बहुत ही लाइट मसालों के साथ है। इट्स सो गुड फॉर हेल्थ आल्सो एंड इट्स सो नरिशिंग आल्सो। ये देखिए मैंने सबसे बड़ा जो उसकी ब्रेस्ट का पीस था वो वाला जो है निकाला है, और वो इतने आराम से उसका निकल आया है। ये देखिए मीनवाइल हमारा जो स्टीम चिकन था, जो फ्राइड चिकन था, वो भी हमारा हो चुका है, उसको निकाला। इसमें एक चीज़ से जो हमने देखी कि जो हमारा स्टीम चिकन था वो अलग थोड़ा हुआ सॉफ्ट होने के बाद, क्योंकि ये फ्राइड था ये बिल्कुल इसके पीसेस इंटैक्ट रहे। ये देखिए मैंने कितने आराम से उसको रखा हुआ है। ये हमारा फ्राइड चिकन आ गया, और ये बहुत ही मज़े का था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अभी देखें कितने आराम से उसकी जो हड्डी अलग हो गई है।